अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। मैं हूं आपका अपना आदरिया, उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैर ऑफिस होंगे। तो जनाब, आज मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं 120 स्क्वायर यार्ड का एक ग्राउंड प्लस वन का मकान, जो कि गुलशन अमार के सेक्टर क्यू में वाकई है, 40 फीट रोड पर। बगैर को टाइम वेस्ट की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ जाए तो लास्ट में से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जनाब, ये आप देख सकते हैं खूबसूरत सा कार पोर्च, जिसमें लेफ़्ट साइड पे जो वॉल है उसमें खूबसूरत सी टाइल लगाई गई है, और राइट साइड पे आप स्टेयर देख सकते हैं। क्योंकि ये ग्राउंड प्लस वन का मकान है तो डायरेक्ट ऊपर की तरफ स्टेयर जा रही हैं। स्टेयर्स के नीचे आप लोग देख सकते हैं बाथ बनाया गया, कॉमन बाथ। यहाँ पर बाथरूम देने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि इनकेस अगर कोई आपके घर पर गेस्ट आ जाता है तो ऑप्शन मौजूद है। यानी कि पीछे वाले जो कॉमन बात है उनको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि फैमिली डिस्टर्ब नहीं होगी। टीवी लॉन्च में एंटर होने से पहले आप लोग देख सकते हैं ग्रेनाइट लगाया गया है, जो कि बहुत कम लोग लगाते हैं, खासकर 120 स्क्वायर यार्ड के प्रोजेक्ट में। तो जनाब, घर के अंदर हम लोग टीवी लॉन्च में जैसे ही एंटर होंगे तो राइट साइड पर खूबसूरत सा किचन आप लोग देख सकते हैं, जिसमें ब्लैक ग्रेनाइट यूज़ किया गया, यानी कि जो मार्बल का टॉप है वो ब्लैक ग्रेनाइट यूज़ किया गया। और लेफ्ट साइड में आप लोग देख सकते हैं खूबसूरत सा ड्राइंग रूम, जिसमें ग्रे कलर की फॉल सीलिंग की गई है, वाइट एंड ग्रे कलर का कॉम्बिनेशन यूज़ किया गया है। ये आप लोग देख सकते हैं खूबसूरत सा ये ड्राइंग रूम, जिसमें 2x2 की टाइल लगाई गई है। घर में अभी से फैंसी लाइट लगा दी गई है, यानी कि घर कंप्लीट है। टीवी लॉन्च में एक तरफ किचन है तो दूसरी तरफ ये आप खूबसूरत सा डिवाइडर देख सकते हैं, खूबसूरत सी फॉल सीलिंग, जो कि आजकल के ज़माने के लिहाज से बेहतरीन है, यानी कि जो आजकल ट्रेंड चला है उसके लिहाज से। ये आप लोग ब्लैक ग्रेनाइट देख सकते हैं, प्योर ये ग्रेनाइट है। किचन में बिल्कुल सामने वाली वॉल पे जो है 2x2 की ब्लैक कलर की खूबसूरत सी टाइल लगाई गई। इसका फ़ायदा ये होता है कि आप आसानी से इसको साफ़ कर सकते हो। सेकंड ये कि यहाँ पर कॉमेक्स कंपनी का एंटरकॉम भी लगाया गया है। किचन के जो कैबिनेट हैं वो सब एक ही कलर के दिए हुए हैं, जिसकी वजह से किचन जो है और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। किचन के बिल्कुल साथ ही विंडो का ऑप्शन मौजूद है, एल्युमिनियम की ये विंडो है, ताकि वेंटिलेशन का प्रोसेस बरकरार रहे यहाँ पर। ये किचन में आप खूबसूरत सी वाइट कलर की टाइल देख सकते हैं, जिसके साथ ब्लैक कलर का मार्बल टॉप दिया गया है। खूबसूरत सा ये बाथरूम आप लोग देख सकते हैं, जिसमें वाइट कलर का बेसन दिया गया और साथ ही ब्लैक वाइट कलर का कमोड दिया गया है। तो जनाब, रूम के एक तरफ मैं आप लोगों को दिखाता चलूं कि पीछे की तरफ जो है वॉशिंग एरिया दिया गया है। ये आप लोग देख सकते हैं वॉशिंग एरिया। वो लोग जो जिन्हें 120 स्क्वायर यार्ड के हाउस के बारे में आइडिया नहीं होता, मैं उनको बता चलूं कि 120 स्क्वायर यार्ड का जो घर होता है उसका साइज़ होता है 24x45, यानी कि जो उसकी फ्रंट की चौड़ाई होती है वो 24 होती है और लंबाई होती है 45, यानी कि इसका जो कवर्ड एरिया होता है 1080, जस्ट सिंगल फ्लोर की बात कर रहा हूँ ये मैं।
उसमें दो रूम्स होते हैं, एक टीवी लॉन्च और एक ड्राइंग रूम होता है। ये खूबसूरत से आप लोग डोर देख सकते हैं जिसके ऊपर खूबसूरत सी पॉलिश की गई है। एक रूम हमने आप लोगों को दिखा दिया, अब ये दूसरा रूम आप देख सकते हैं जिसके सामने बिल्कुल बड़ी सी एल्युमिनियम की विंडो दी गई है ताकि वेंटिलेशन का प्रोसेस हो सके यहाँ पर। एक और कॉमन बाथ, घर में एक फ्लोर के ऊपर दो रूम हैं और दोनों के साथ कॉमन बाथ दिए गए हैं। वाइट कलर का कॉम्बिनेशन यूज़ किया गया है बाथरूम के अंदर, यानी कि एक तरफ कमोड है तो एक तरफ WC का ऑप्शन मौजूद है और वाइट कलर के बेसन और कमोड इस घर में यूज़ किए गए हैं। और अगर मैं नल वगैरह की बात करूँ तो हर चीज़ इस घर में ब्रांडेड लगी हुई है। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाता चलूँ कि बहुत से लोग कंप्लेन करते हैं कि 120 स्क्वायर यार्ड के बाथरूम में जो है आप लोग कमोड और WC दोनों नहीं देते, तो आप लोग ये देख सकते हैं जस्ट हमारे पास WC का ऑप्शन है क्योंकि हमारे पास स्पेस कम होता है, तो इसलिए हम एक बाथरूम में WC देते हैं तो एक में कमोड का ऑप्शन देते हैं। तो जनाब ये था 120 स्क्वायर यार्ड का ग्राउंड फ्लोर, अब हम आपको लेके चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि इसका जो फर्स्ट फ्लोर का रास्ता है वो बिल्कुल सेपरेट दिया हुआ है, यानी कि मेन गेट पर दो गेट दिए गए हैं, एक ग्राउंड फ्लोर के लिए और एक फर्स्ट फ्लोर के लिए, ताकि कल को अगर आप लोग रेंट पर देना चाहें तो ऊपर वाली फैमिली और नीचे वाली फैमिली सेपरेट आराम से रह सकती है। तो जनाब बगैर कोई टाइम वेस्ट किए अब हम आपको दिखाते हैं इसका फर्स्ट फ्लोर के ये किस तरह का बना हुआ है। खूबसूरत सा टेरेस आप लोग देख सकते हैं, उसके ऊपर खूबसूरत सी फॉल सीलिंग और लेफ्ट साइड पर आप लोग देख सकते हैं स्टेयर्स के साथ जो वॉल आ रही है उसके ऊपर ग्रुप दिए गए हैं और उसमें ब्लैक कलर की झिरी दी गई है। तो जनाब ये अब हम आपको दिखाते हैं, ये ड्राइंग रूम से भी एक रास्ता दिया गया है, 40 फीट का ये रोड है, गुलशन अमार के सेक्टर क्यू में वाकई ये मकान है जहाँ पे गैस पानी बिजली तमाम सहूलियात मौजूद हैं इस सोसाइटी में, बाउंड्री वॉल ये सोसाइटी है। यहाँ पर हर चीज़ एक्सप्लेन करने का मतलब ये होता है कि कुछ लोग जो इंटरेस्टेड होते हैं, कुछ लोग घर खरीदना चाहते हैं और कुछ लोग घर अपनी मर्ज़ी से बनवा रहे होते हैं चाहे किसी से भी, तो उन लोगों को आइडिया हो जाता है कि आजकल क्या क्या पैटर्न यूज़ हो रहा है घर में। तो जनाब ये आप देख सकते हैं खूबसूरत सा किचन, नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर पर और किचन था, ऊपर वाले फ्लोर पर एक अलग तरह का किचन कैबिनेट दिए गए हैं। और अगर मैं नीचे वाले फ्लोर की बात करूँ तो वहाँ पर सामने वाली वॉल पर जो टाइल लगाई गई थी 2x2 की वो ब्लैक कलर की थी, और यहाँ वाले फ्लोर पे फर्स्ट फ्लोर पे जो टाइल लगाई गई है वो डिफरेंट टाइल लगाई गई है। तो जनाब एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि हमारे पास ऑप्शन जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं, यानी कि अगर हम नीचे वाला ग्राउंड फ्लोर बना चुके हैं और फर्स्ट फ्लोर बना है तो उसके ऊपर दीवार के ऊपर दीवार आती है, यानी कि स्ट्रक्चर वही बनता है, जस्ट हम फिनिशिंग में चेंजिंग कर सकते हैं, जैसे कि हम फॉल सीलिंग चेंज कर सकते हैं। नीचे वाली फॉल सीलिंग आप लोगों ने देखी वो टोटली डिफरेंट थी, ऊपर वाले फॉल सीलिंग आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल डिफरेंट है, किचन के कैबिनेट हम लोग चेंज कर सकते हैं, ऊपर वाले फ्लोर की टाइल हम लोग चेंज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। खूबसूरत सी टीवी लॉन्च में आप लोग फॉल सीलिंग देख सकते हैं, सिंपल कलर किया गया है जो कि निहायत खूबसूरत लग रहा है, जिसकी वजह से टीवी लॉन्च भी अच्छा अच्छा लग रहा है। ये आप लोग देख सकते हैं खूबसूरत सा किचन, जिसमें काउंटर में आप लोग देख सकते हैं खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाया गया है शीटों से, यानी कि जो किचन की कैबिनेट की शीट है उसके साथ डिज़ाइन बनाया गया है। तो जनाब आप लोगों ने नोट किया होगा कि नीचे वाला जो किचन था उसका मार्बल टॉप जो था वो ब्लैक कलर का था और ऊपर वाले का टोटली चेंज है,
यानी कि कैबिनेट के हिसाब से मार्बल टॉप हमेशा लगाया जाता है। ऐसा नहीं कि किचन के कैबिनेट की और कलर के हैं और मार्बल टॉप कोई ऐसा है कि किचन का लुक ही चेंज हो जाए। तो जनाब आप लोग ये देख सकते हैं, खूबसूरत सी बड़ी बड़ी वार्डरोब दी गई हैं और साथ ही एल्युमिनियम की विंडो दी गई हैं वेंटिलेशन के लिए। ईस्ट ओपन ये मकान है 120 स्क्वायर यार्ड का, जो कि ब्रांड न्यू मकान ये बना हुआ है। मॉडर्न तर्ज के ये बाथरूम बनाए गए हैं यहाँ पर। अच्छा, इस बाथरूम में भी मैं आपको दिखाता चलूँ कि जस्ट कमोड का ऑप्शन है, क्योंकि हमारे पास स्पेस कम होता है 120 स्क्वायर यार्ड के बाथरूम में। तो जनाब अब मैं आप लोगों को ओवरऑल इस घर का बारे में बताता चलूँ कि इस घर के अंदर यानी कि ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर मिलाकर टोटल 4 रूम्स हैं और 4 कॉमन बाथ हैं उनके साथ। 2 किचन, 2 ड्राइंग रूम, 1 कारपोर्च और 1 टेरेस है। कारपोर्च के साथ एक और कॉमन बाथ भी दिया हुआ है फॉर गेस्ट। तो जनाब ये आप लोग देख सकते हैं, बड़ी बड़ी यहाँ पर एल्युमिनियम की विंडो दी गई हैं, जो कि बहुत कम लोग देते हैं क्योंकि इस पर ज़ाहिर है कॉस्ट आती है। तो जनाब 2 फैमिलीज के लिए घर बेस्ट है। इन केस अगर आप यहाँ पर रेंट पर देना चाहते हैं तो एक फ्लोर तकरीबन आपको जो रेंट मिलेगा यहाँ पर 23 से 24 हज़ार मिलेगा। अगर ब्रांड न्यू है तो 25 हज़ार भी आपको मिल सकता है, जस्ट एक फ्लोर की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आप दोनों फ्लोर रेंट पर आउट देना चाहते हैं तो तकरीबन 42 से 45 तक आप अपना माइंड रखें। तो जनाब बिल्कुल ब्रांड न्यू ये मकान है, 120 स्क्वायर यार्ड का ये खूबसूरत सा मकान, जो कि गुलशन अवार के सेक्टर क्यू में वाकई है। हमने पूरी कोशिश की आपको इसके बारे में पूरी पूरी डिटेल देने की। इन केस अगर आप लोगों को कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए या आप इसका विज़िट करना चाहें तो आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं या आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो जनाब ये था आज का मकान, ग्राउंड प्लस 1 का ये मकान 120 स्क्वायर यार्ड, जो कि फॉर सेल के लिए गुलशन अवार के सेक्टर क्यू में वाकई है। 1,85,00,000 इसकी डिमांड है। तो जनाब उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए और उसे शेयर कीजिए। अगर आप लोग अपना मकान सेल करना चाहते हैं या रेंट आउट देना चाहते हैं तो मुझसे रब्ता करें, मैं आप लोगों के मकान की वीडियो बनाऊंगा और उसे अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा। सेकंड, इन केस अगर आप लोगों ने अपना घर बनवाया या कोई और चीज़ जो आप चाहते हैं कि मैं अपने चैनल पे उसकी प्रमोशन करूं, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मैं उसके कोई भी चार्जेस नहीं लूँगा। या ऐसा भी होता है, कुछ लोग कहते हैं कि हमारा घर बहुत अच्छा बना हुआ है तो जो मतलब चाहे उसमें रिहाइश भी है, अगर आप चाहते हैं मैं आपके मकान की वीडियो बना के अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा ताकि लोगों को आइडिया हो सके कि मकान किस तरह से अच्छा बनाना चाहिए, किचन किस तरह से बनाना चाहिए, किस तरह डेकोरेट करना चाहिए मकान को। खुश रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, अपना ख्याल रखिए, हम फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। ज़िंदगी रही तो अल्लाह हाफ़िज़।